बीएस सिलाई मशीन में आपका स्वागत है। आज हम डिसेंबल कर रहे हैं बजाज कंपनी का सिलाई मशीन। आप देख सक रहे हैं पूरी तरह से इसको डिसेंबल हो चुका है और अच्छी तरह से ये आपका करासन तेल में अच्छी तरह से साफ़ होगा। आप देख रहे हैं जितना भी अंदर गंदगी था सभी को हमने साफ़ कर लिया है, और उसके बाद जो भी गंदगी है अंदर में ऊपर नीचे सभी को हम साफ़ कर लेंगे, और जहाँ जाम है उस जाम को खोल लेंगे और अच्छी तरह से हम उसको साफ़ कर लेंगे। बजाज कंपनी का सिलाई मशीन है, आप देख रहे हैं पूरी तरह से खोखा मैंने कर दिया है, और बेहतरीन तरीक़े से इसमें लगा हुआ जो डस्ट था उसको मैंने साफ़ कर दिया है। इसी तरह से आप पेचकस की सहायता से आप साफ़ कर सकते हैं अंदर से डाल के, और आप देख रहे हैं वीडियो में इसी तरह से आप इसको साफ़ कीजिएगा। पूरी तरह से जो भी जंग लगा हुआ है उसको अच्छी तरह से आप साफ़ कर लीजिए, और जो भी आप 3 गो छेद जो देख रहे हैं उस छेद को अच्छे से पेचकस की सहायता से तीनों जो आगे में है उसको, और आगे जो जहाँ चक्का लगता है जो पेचकस बोबिन केस के कसने वाला जो पेचकस रहता है उससे अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह करना है, अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और उसके बाद जो पार्ट्स है जो निकला है उसको अच्छी तरह से जो है उसको साफ़ कर लेंगे करासन तेल में। आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ बनने के लिए सिलाई मशीन आया था, बहुत तरह से इसका जो केम है जो बहुत बुरी तरह से कट चुका था, आप वीडियो में देख रहे हैं बहुत बुरी तरह से कट चुका था, इसलिए पूरा सिलाई मशीन को मैंने खोल के ओपन करके बनाया है। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से एक ब्रश की मदद से हम साफ़ कर लेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बीएल सिलाई मशीन को लाइक एंड सब्सक्राइब।